मंगलवार की सुबह सुबह जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से खुदराम बोस केंद्रीय कारा में रूटीन छापेमारी की, जिसमें जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे जेल परिसर में सर्च मारा गया है, जिसमें एक सिम कार्ड, 14 पुड़िया गांजा, 2 छोटे चाकू, ये सब आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा बाकी सब ठीक था। इस छापेमारी में कई थाने की पुलिस भी शामिल थी। दरअसल ये छापेमारी बिहार के कई जेलों में की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों राजधानी पटना के बेऊर जेल में गांजा पी रहे कैदियों का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया था। ये मंडल कारा मुजफ्फरपुर में रूटीन छापेमारी हम लोग किए हैं आज 4 बजे भोर में, और उसमें अच्छे से सब सर्च किया गया है पूरे जेल परिसर को। उसमें एक सिम कार्ड, 14 पुड़िया गांजा और 2 छोटे चाकू मिले हैं जो आपत्तिजनक हैं, उसको जब्त किया गया है और बाकी स्थिति ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये रूटीन छापेमारी थी।